बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। विद डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम सीरीज के साथ मैं हूं मोहम्मद सफदर डोगर। स्टूडेंट, पिछले कुछ वीडियोस के अंदर हम स्टैक के बारे में पढ़ रहे थे, तो आज की वीडियो भी स्टैक के रिलेटेड होगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। हाउ टू कन्वर्ट डेसिमल नंबर टू बाइनरी एंड ऑक्टल इन स्टैक। स्टूडेंट, हम प्रोग्राम को एक नंबर देंगे, प्रोग्राम क्या करेगा, उसको बाइनरी में एंड ऑक्टल में कन्वर्ट कर देगा। तो उसके लिए मैं लिए चलता हूँ अपने सॉफ्टवेयर के ऊपर, डेव सी प्लस के ऊपर, जहाँ पे हम ये प्रोग्राम जो है ना उसको कंपोज करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे हम हेडर फाइल इंक्लूड कराते हैं, यहाँ पे इंक्लूड आयो स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी क्लास स्टैक। हमने क्लास ले ली स्टैक की, स्टैक के नाम से, और यहाँ पे हम एक मेन का फंक्शन जो है ना वो भी बना लेते हैं। इसको सेव करते हैं, रन करते हैं, देख लेते हैं ताकि इसमें कोई एरर तो नहीं है। तो ये यहाँ तक कोई एरर नहीं है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे प्राइवेट तौर पे दो डाटा मेंबर ले लेते हैं, इंट टॉप और उसके बाद एस टी के एक अरे टाइप वेरिएबल लेते हैं, उसकी लेंथ ले लेते हैं 10। और फिर पब्लिक का एरिया बनाते हैं और यहाँ पे हम यहाँ पे एक बनाते हैं जी कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर नेम एंड क्लास नेम सेम होता है, और यहाँ पे टॉप को इनिशियलाइज करते हैं -1 से। स्टूडेंट, जैसे आपने स्टैक के बारे में पढ़ा होगा कि स्टैक जो है ना लास्ट इन फर्स्ट आउट पे काम करता है, यानी कि जो वैल्यू लास्ट पे इन होगी उसको सबसे उसको पहले आउट किया जाएगा, जो सबसे पहले वैल्यू इन होगी उसको लास्ट पे आउट किया जाएगा। तो इसी तरह हम कह सकते हैं कि ये एक स्टैक ऐसी जगह होती है जिसके ऊपर चीज़ें ऊपर से आप नीचे रखते जाते हैं। तो ये अरे की तरह इसका इंडेक्स जो है हमेशा 0 से स्टार्ट होता है और इसकी लेंथ से एक कम। जैसे हमने यहाँ पे इसकी लेंथ 10 रखी है, तो ये 0 से 9 जो है ना करेगा। तो हम स्टैक में कहते हैं कि अभी स्टैक खाली है, तो इसको हम इनिशियलाइज करते हैं टॉप को -1 से, यानी कि अभी ये स्टैक के ऊपर मेंशन नहीं हो रहा, यानी कि 0 पे आ जाएगा तो इसको कह देंगे कि उसके ऊपर एक वैल्यू आ गई है, लेकिन हम इसको -1 कर देंगे तो इसका मतलब है अभी स्टैक हमारा एम्प्टी है। यहाँ पे एक हम फंक्शन बनाते हैं बाइनरी का, और इसके अंदर हम एक वैल्यू जो है ना उसको पास करवा लेते हैं, जो वैल्यू हम पीछे यानी कि मेन से देंगे उस वैल्यू को वो रिसीव कर लेगा, यानी कि हमारा फॉर्मल पैरामीटर आ जाएगा। ये फॉर्मल पैरामीटर क्या होते हैं, एक्चुअल पैरामीटर क्या होते हैं, ये मैंने डिटेल के साथ अपनी वीडियो जो है ना सीरीज जो है ना सी प्रोसेस यानी कि फंडामेंटल प्रोग्रामिंग के ऊपर डिटेल के साथ मैंने दिए हुए हैं। तो यहाँ पर मैं एक वेरिएबल लेता हूँ आर फॉर रिमाइंडर, और यहाँ पर वाइल का लूप हम लगा देते हैं, एन की वैल्यू बड़ी हो किससे, 0 से, तो तभी ही जो है हम इसको क्या करेंगे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम कहते हैं जी रिमाइंडर क्या आ जाए जी, एन को डिवाइड करें 2 पे और रिमाइंडर किस में डाल दें, आर में, और उस वैल्यू जो हमारे रिमाइंडर आएगा उसको अब टॉप जो है ना उसको हम 1 पॉइंट जो है ना उसको इंक्रीज कर देंगे, इसमें क्या कर देंगे इंक्रीमेंट कर देंगे 1 का, यानी कि -1 से कहाँ पे आ गया, 0 पे आ गया, यानी कि पहले लोकेशन के ऊपर आ गया, और पहले लोकेशन के ऊपर उस वैल्यू को हम क्या कर देंगे स्टोर कर देंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा स्टैक इंडेक्स उसका टॉप मीन 0, उसके ऊपर वैल्यू कौन सी आ जाएगी, आर के अंदर जो वैल्यू पड़ी हुई है उसको हम स्टोर करवा देंगे, और एन को डिवाइड करेंगे फिर किस पे, 2 पे, और जो आंसर आएगा उसको हम किस में स्टोर कर देंगे, एन के अंदर। इस वाले पॉइंट को मैं आपको डिटेल से भी समझाता हूँ, पहले हम इसको प्रोग्राम को पूरा लिख लें ताकि इसको रन करके देख लें, फिर इसको मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। वाइड हम यहाँ पे कहते हैं जी डिस्प्ले का फंक्शन, ताकि जो हमने कन्वर्ट किया वैल्यू उसको हमने डिस्प्ले भी तो कराना है। तो यहाँ पे आ जाएगा सी आउट बाइनरी वैल्यू इज यहाँ पे और यहाँ पे हम फॉर का लूप लगा देते हैं, और यहाँ पे इंट आई इज इक्वल टू क्या हो टॉप के बराबर आ जाए, यानी कि टॉप में अगर 10 वैल्यू है तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 हो जाएगी, और आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि टॉप से यानी कि 10 है तो उस वक्त तक चलते रहे जब तक टॉप की आई की वैल्यू 0 नहीं होती, और क्या करेंगे आई -- करते जाएंगे, और यहाँ पे सी आउट जो भी स्टैक के अंदर वैल्यू पड़ी हुई हैं उनको हम यहाँ पे क्या कर देंगे शो करवा देंगे।
ये ले जी, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट लेते हैं ओबीजे वन के नाम से, और यहाँ पे एक वेरिएबल लेते हैं नाम, जो वैल्यू हमने सेंड करनी है, सी आउट एंटर नंबर टू कन्वर्ट बाइनरी। ये लें जी सी एन, यहाँ पे आ जाएगा नम, और यहाँ पे आ जाएगा जी ओ बी जे वन डॉट क्या आ जाए बाइनरी, और वो नम की वैल्यू साथ में पास हो जाएगी। ये हमारी एक्चुअल पैरामीटर आ जाएगा, और अगर उस वैल्यू को हमने शो कराना है तो उसके लिए आ जाएगा डिस्प्ले। ये लें जी, हमारा प्रोग्राम कंप्लीट है, पहले इसको रन करके हम चेक कर लेते हैं। ये लें जी एंटर नंबर टू कन्वर्ट बाइनरी, मैंने दे दिया नंबर नाइन, उसने क्या कर दिया नाइन को कन्वर्ट कर दिया बाइनरी में 1001। तो इसको अगर आप देखें तो ये नाइन इज इक्वल टू बाइनरी 1001 ही होता है। अब ये स्टूडेंट कैसे काम करेगा, हमने वेरिएबल लिया नाम के नाम से और उसके अंदर वैल्यू जो है ना हमने स्टोर करा दी है, यहाँ पे नाइन दे दिए और ये वैल्यू जो है ना हमने पास करा दी है बाइनरी वाले मेथड को। यहाँ पे नाइन एन के अंदर वैल्यू जो नाइन आ जाएगी, और हमने एक वेरिएबल ले लिया और यहाँ पे हमारा बन जाएगा कि नाइन इज ग्रेटर दैन ज़ीरो। तो कंडीशन हमारी क्या है, ट्रू है। अगर कंडीशन ट्रू है तो यहाँ पे क्या होगा, नाइन को जब टू पे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, वन आ जाएगा, और वन किसके अंदर स्टोर हो जाएगा आर के अंदर, तो यहाँ पे वन आ जाएगा आर के अंदर स्टोर हो गया, और टॉप जो है ना हमारा क्या हो जाएगा इंक्रीमेंट होकर ज़ीरो हो जाएगा। अब स्टैक ज़ीरो के ऊपर जो वैल्यू कौन सी आ जाएगी, यहाँ पे वन आ जाएगी, और फिर क्या करेंगे एन यानी कि एन के अंदर वैल्यू कौन सी है नाइन है, तो नाइन को जब हम टू पे डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, यहाँ पे एन इज इक्वल टू, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका फोर आ जाएगा, फोर टू एट रिमाइंडर वन आ गया। अब एन के अंदर फोर है तो यहाँ पे फिर कंडीशन बन जाएगी फोर इज ग्रेटर दैन ज़ीरो, कंडीशन मेरी ट्रू है तो यहाँ पे यानी कि एन को फोर को टू पे डिवाइड करेंगे जैसे ही, तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा आपका ज़ीरो ज़ीरो, और टॉप वन आ जाएगा यानी कि स्टैक की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी, वन आ जाएगी, और उसके ऊपर जो वैल्यू स्टोर होगी वो आ जाएगी ज़ीरो। और फिर जब एन को टू पे डिवाइड करेंगे यानी कि एन की वैल्यू कितनी है, फोर है, फोर को टू पे डिवाइड करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, टू आ जाएगी। अब दोबारा फिर जब लूप पे जाएंगे तो टू इज़ ग्रेटर दैन ज़ीरो, टू की वैल्यू ज़ीरो से बड़ी है, कंडीशन ट्रू है। अब जब टू को टू पे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमारे पास कितना आ जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा, रिमाइंडर कितनी वैल्यू ज़ीरो है, टॉप की वैल्यू टू से वन से टू हो जाएगी, और यहाँ पे फिर वैल्यू कितनी स्टोर हो जाएगी, ज़ीरो स्टोर हो जाएगी। फिर हम क्या करेंगे, टू को जब टू पे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा, वन आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा वन, वन इज़ ग्रेटर दैन ज़ीरो है, कंडीशन ट्रू है। जब एन के अंदर वन है, वन को जब टू पे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमारे पास यहाँ पे कितना आ जाएगा, वन आ जाएगा, और एन की वैल्यू टॉप की वैल्यू हम यहाँ से कितनी मूव हो जाएगी, थ्री हो जाएगी, टू से थ्री हो जाएगी, और रिमाइंडर के ऊपर कड़ा पड़ा हुआ है वन, और वो किसके अंदर स्टोर हो जाएगा, स्टैक के ऊपर यहाँ पे वन स्टोर हो जाएगा। और उसके बाद जब वन को टू पे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा, और यहाँ पे ये चेक कराएगा कि ज़ीरो इज़ ग्रेटर दैन ज़ीरो, तो कंडीशन आपकी फॉल्स हो जाएगी, और स्टैक के ऊपर आपकी वैल्यू कौन सी आ जाएगी, 1001 आ जाएगी। और जब इस वैल्यू को हम शो कराएंगे तो यहाँ के इंट आई इज इक्वल टू टॉप, टॉप की वैल्यू कितनी थी, यहाँ पे थ्री है, और आई इज़ ग्रेटर दैन ज़ीरो हो यानी कि आई यानी कि अंदर वैल्यू थ्री है, और आई माइनस माइनस यानी कंडीशन ट्रू है, तो यहाँ पे क्या करेगा, आई थ्री के ऊपर जो वैल्यू पहले पड़ी हुई है इसको क्या निकालेगा, वो वन को निकाल देगा, यानी कि लास्ट वाली वैल्यू जो तुम्हारे पास पड़ी हुई थी ये वाली उसको पहले निकाल लेगा, वन शो हो जाएगा। उसके बाद दोबारा फिर ये कंडीशन यानी कि इसको डिक्रीमेंट करेगा, डिक्रीमेंट करेगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, टू आ जाएगा, टू इज़ ग्रेटर दैन ज़ीरो, और स्टैक टू पे और जो वैल्यू पड़ी हुई थी वो कौन सी पड़ी हुई है, ज़ीरो पड़ी हुई है, उसको ज़ीरो को यहाँ पे शो करवा देगा, और फिर दोबारा डिक्रीमेंट करेगा, आई की वैल्यू वन हो जाएगी, वन इज़ ग्रेटर दैन ज़ीरो है, और ज़ीरो है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, स्टैक वन आ जाएगा, स्टैक वन के ऊपर भी ज़ीरो पड़ा हुआ है। फिर दोबारा डिक्रीमेंट करेगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा, ज़ीरो, यानी कि स्टैक बिल्कुल लास्ट वाली वैल्यू पे चला गया है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्टैक ज़ीरो, स्टैक ज़ीरो के ऊपर कौन सी वैल्यू पड़ी हुई है, वन पड़ी हुई है, और ये वाली वैल्यू आपको शो हो जाएगी। अब इसको अगर आपने बाइनरी फॉर्मेट में शो कराना है तो यहाँ पे और यहाँ पे भी हम सी आउट
ये लें जी, यहाँ पे टू लिखते हैं, इसको रन करते हैं, यहाँ पे सेमी कॉलन, इसको रन करते हैं व्यूअर्स, और यहाँ पे वैल्यू दे दी मैंने 13। बाइनरी वैल्यू इज 1101, 13 की बाइनरी वैल्यू क्या आ जाएगी, 110 आ जाएगी। अगर आप को अभी भी समझ नहीं आई तो इस वाले प्रोग्राम को पॉइंट को दोबारा फिर एक दफ़ा आपने रिवाइज कर लेना है। तो यहाँ पे ये प्रोग्राम आपका कंप्लीट है। हमने दोबारा फिर यहाँ पे रिपीट करता हूँ, आपने क्या किया, क्लास ली पब्लिकली, सॉरी प्राइवेट तौर पे हमने दो डाटा मेम्बर लिए, टॉप और एक अरे के स्टैक पॉइंट ले लिया। यहाँ पे हमने एक पॉइंटर ले लिया, उसको इनिशियलाइज करा दिया हमने -1 से। यहाँ पे ये वाला मेथड जो है ना आपका उस नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट कर देगा, और ये वाला मेथड जो नीचे वाला मेथड है ये क्या करेगा, उस बाइनरी नंबर को आपको शो करवा देगा। और यहाँ से आपका मेन फंक्शन है, मेन फंक्शन के अंदर आपने क्या किया, एक पॉइंटर ऑब्जेक्ट ले लिया, एक नंबर आपने इनपुट कराया, उस नंबर को आपने पास कर दिया बाइनरी फंक्शन को, और आपने यहाँ पे उसको डिस्प्ले कराना है तो वो भी आप डिस्प्ले करवा सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको समझ आ गई होगी। मेरी वीडियो देखने का शुक्रिया। तो नेक्स्ट लेक्चर, बाय, ओके, अल्लाह हाफिज़।